सरकार दे किसी भी नुमाइंदे कोल कोई भी जवाब नहीं है एक किसान दे सवाल दा जवाब दे सकन। इस करके सच की लड़ाई है अज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन के बाद जिदा भी है चलती रहेगी और जित के वापस मुड़िया जाएगा। साझा मुद्दा टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। इस वेल असं खड़े हैं लाडोवाल और इतने एक परिवार साढ़े जुड़िया है जिड़ा कि इस वे दिल्ली वाल रवाना हो रहे हैं। अच्छा भाजी तुम कितों आए हो जी? हाँ जी असी पिंड शिकार मासी हाँ डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर डेरा बाबा नानक हल्के चो आए हैं जी। असी दिल्ली अपना फतेह मोर्चे वास्ते सिंघू बार्डर से साढ़े मतलब प्लानिंग है जान दी। हाँ जी सारा परिवार ही लैके चले हो? हाँ जी सर सारा परिवार पहला तो असी सिंगल गए सी पर जदों उत्थे 10 दिन की ड्यूटी करके आए हैं जो भी सानू मिली गई थी तो हुण दोबारा घर गए तो बच्चे भी कह रहे हैं भी असी भी चलीए सानू भी लैके जाओ असी भी जाना चाहते हैं तो इस करके नैक्सट प्लानिंग बनाई सी भी चलो बच्चे भी नाल लैके जाने। हाँ जी वेख्या जाए तो पूरा पंजाब ही उत्थे एक तरह वस चुका है। बिल्कुल जी ये तो चलो असी बच्चे लैके जा रहे हैं कई यहोजे बजुर्ग ने जिन्हों को बेचारा कोई चलिया फिरया नहीं जा रहा और इन्नी ठंड के अगर वो अपने टाइम मतलब अपना पास कर रहे हैं तो असी बच्चों भी समझा कई बच्चे भी बड़े छोटे छोटे बच्चे कई अपने लैके आए ने नाल तो उन्होंने वेख के साढ़े भी थोड़ा जोश की भावना पैदा हुई तो असी इस बच्चों नाल लैके जाना ठीक समझिया। देखा जाए तो बच्चों के भी इस वे पूरी भावना जी है जागी हुई है पंजाब को बचाने लिए और पूरा अगे हुम हुमा के अगे हो के अगे बॉर्डर वाल जा रहे हैं। एक जे आप थोड़े इलाके की गल करिए एक बॉर्डर तो तुम आ रहे हो और दूसरे बॉर्डर से तुम जा रहे हो? हाँ जी सर बार्डर की बिल्कुल सर बार्डर की असी डेरा बाबा नानक हल्के करतारपुर कोरीडोर तो आ रहे हैं सर और असी सिंघू बार्डर से जा रहे हैं तो असी तो वैसे इंटरनेशनल बार्डर तो आ रहे हैं पर असी चलो अपने जिस भी बार्डर से सानू मतलब धरने का तरीके उत्थे किया जा रहा प्रदर्शन उत्थे असी अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। हाँ जी की लगता है मतलब पहला भी तुम उस बॉर्डर से हो के आए हो जिथे अपने किसान डटे हुए हैं लगातार अज 36वां दिन हो चुका है की लगता की कहो जिहा रुख उत्थे दिल्ली सरकार अपना रही है? सर दिल्ली सरकार ते वो तो सारी दुनिया हुण पता चल चुका है कि दिल्ली सरकार की मतलब नीति की है दिल्ली सरकार की करना चाहती है और ये चलो बाकी सच की हमेशा जित हुई है और सच की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं और किसी भी मतलब सरकार दे किसी भी नुमाइंदे कोल कोई भी जवाब नहीं है एक किसान दे सवाल दा जवाब दे सकन। इस करके सच की लड़ाई है अज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिन के बाद जिदा भी है चलती रहेगी और जित के वापस मुड़िया जाएगा। मान लो भी जे मोदी सरकार का रवैया इस तरह रहा है तो किसानी संघर्ष कित टुटन की कगार से तो नहीं आऊगा? सर ये तो सिर्फ प्रोपोगंडे ने अपना किसी भी मतलब अदर चैनल जिन्हों कुछ भी कहा जाता कुछ गोदी मीडिया कुछ वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने नाँ लेंगे ने यह सिर्फ प्रोपोगंडे ने। सर असी ग्राउंड लेवल के उत्ते हर एक चीज़ चेक की है भी वध तो वध दिन तो दिन भर जो उत्थे मतलब संघर्ष की जिहड़ी गिनती है वधदी जा रही है और संगत बहुत मतलब उत्थे अपने आप नूं मतलब महसूस करती है भी असी सानू गर्व है किसान होने ते। अज जिवें 31 दिसंबर है तुसीं भी एक हिसाब नाल नवां साल ही उत्थे मनाउण चले हो? बिल्कुल सर बिल्कुल साडा नवां साल भी उत्थे भी ते इत्थे भी सर इक्को ही गल है सर। हाँ जी ते असी मन च धारिया सी भी असी कल नूं नवां साल उत्थे अज रात ही वैसे पहुँच जाएंगे असी उत्थे पर असी उत्थे मनाईए। हाँ जी की सुनेहा दोगे वैसे जे अपना अपने माध्यम राही इस चैनल के माध्यम राही सुनेहा की है थोड़ा किसानों? सर मैं किसानों यही कहना भी जेडे हुण तक मतलब उत्थे पहुंचे ने उन्हां दी भी बहुत शलाघाजोग गल है तो जेडे नहीं आए वो भी बेचारे अपने चलो जिदा मर्जी अपने काम नूं एडजस्ट करके ये नहीं भी छड़ के आउण एडजस्ट करन अगे पिछे जो भी है तो उत्थे वध तों वध पहुंचण कई साल नवे आउंदे ने कई जांदे ने ये जिंदगी इदां ही चलती रहिंदी है। हाँ जी तो इस करके पहुँचण। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। जिमें कि तुम देखा कि यह परिवार जोड़ा है इस वे दिल्ली वालों रवाना हो रहा है इस वे लद्दे वाली टोल प्लाजा से खड़े ने और थोड़ी देर इतने जोड़ा किसानों वालों एक कैंप लगया गया उस इन्होंने जो अपना जल पानी छकना सी छक के हूँ अगे अगे नू जा रहे हैं और जिमें कि अज 31 दिसंबर हैगी और इन का भी किसानी सुनेहा हैगा कि वह जित के ही वापस आन इन्ह का परिवार भी जोड़ा है उत्थे अज शमूलियत करन जा रहा और सुनेहा यही है कि किसान जिहड़े अपने संघर्ष के डटे हुए ने उस संघर्ष को ढिल्ला ना छड्डन भावें सरकारां दा रुख जिदा भी है देर सवेर वह पिघलेगा जरूर। मैं नीरज कैमरामैन चिराग दे नाल सांझा मुद्दा।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲਵਿੰਦਰ ਦਿਆਲਪੁਰੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁੰਦਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮਹਾਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਂਝਾ ਮੁੰਦਾ